Hello guys, this is Mumhar from Pakistani Reacts. Hello friends, this is Fatma Malik from Pakistani Reacts. Trailer aaya hai Gully Boys. Asli hip hop. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट पहली दफा किसी मूवी में आ रहे हैं तो उस पे हम लेके हैं पाकिस्तानी रिएक्शन, देखते हैं कैसी है ये मूवी, कैसा है ये ट्रेलर। इससे पहले गाइस हम शुरू करें, प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब आवर, देन डोंट फॉरगेट द बेल आइकन फॉर इट्स वीडियोस एंड अपडेट्स। शुरू करते हैं गाइस, 1 2 3 स्टार्ट। गली की बारात नहीं तेरी, कोई औकात नहीं है जंग में। अच्छा तेरा चेला, तुझे बहुत कुछ सिखाना है। मेरा रैप सुन के तेरी बंदी बोले ओ ये तो मेरा वाला गाना है। इलाका ये मेरा, गो बैक टू योर गली। कुछ है क्या बोलने को इसका? रैपर की लाइन बहुत अच्छी होती है। भुगतेंगे ना उसको, बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ना, सॉरी फिर से नहीं होगा ऐसा। मेरी कसम मर जाएगा तू। कौन सी लैंग्वेज बोल रही है आलिया भट्ट? बड़ी मुराद अगर सपने में दिख जाए तो उसके लिए ट्राई करने का ना, कुछ करने का तू कर। तेरा अब्बू एक ड्राइवर है, नौकर का बेटा नौकर बनेगा, ये फितरत है। कितना कितना पैसा झोंक रहा हूँ पढ़ाई में, ये पढ़ाई कर रहा है, ये रंगाबा कर रहा है। अगली बार अगर देख लिया मैंने, समझ लेना अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा आएगा। जितने भी चीट फाड़ आर्टिस्ट हुए आज तक, सबके सब भूखे फक्कड़। हालत ऐसी ही, जो मिलेगा नोच खाएंगे, पीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले फिर जाके कुछ उगाड़े। दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? सल्ला ठोक सर झुका तू तुम दबा, चल रास्ता नाप ले, कपड़े सिलाए ले खुद के दम पे, नहीं लिए मैंने अपने बाप से। वाओ, बड़ा जबरदस्त ट्रेलर था यार। ट्रेलर देख के ये पता चल गया कि रैपर्स कैसे बनते हैं। ये स्टोरी बड़ी जबरदस्त मुझे लगी। पहले जो हमने देखा था इसका टीजर, उसमें इतनी स्टोरी क्लियर नहीं थी, मगर इसमें काफी कुछ पता चला कि रैपर्स कैसे बनते हैं। ज्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको रैपर्स बनने का शौक होता है, और किस तरह इसमें स्टोरी में दिखाया गया है कि इनको रणवीर सिंह है, उनको रैपर बनने का शौक होता है, मगर जो कि इनके फादर हैं विजय राज, बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। मैं तो उनको कहूंगा कि एक्टिंग का स्कूल है, जो मर्जी रोल दे दो, फनी रोल दे दो या सीरियस दे दो या फादर का रोल अदा करें, बहुत अच्छे से उनको निभाते हैं। इसमें भी उनका रोल बहुत जबरदस्त था। अगर बात करें आलिया भट्ट की, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह पहली दफा किसी मूवी में एक साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने काम किया है, मगर वो टीवी एड्स में किया है, ना कि मूवी में। मगर मूवी में ये फर्स्ट टाइम एड कर रहे हैं, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, जबरदस्त है। अगर हम बात करें इसकी, रणवीर सिंह की, हमारे फेवरेट हीरो आजकल सबके दिलों में छाए हुए हैं। मगर यार मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी मूवी करने के बाद ये कोई रैपर का रोल भी अदा करेंगे, जैसे इन्होंने मूवी की थी सिम्बा, अभी चल रही है सिनेमाज में, बहुत अच्छी थी, हमने ट्रेलर पर उस पर रिएक्शन भी दिया था। उसके साथ साथ ये खिलजी का रोल भी अदा कर चुके हैं, और बहुत बड़ी बड़ी मूवी इन्होंने की है, मगर ये नहीं मैंने सोचा था कि वो एक रैपर का रोल भी अदा करेंगे और इतना अच्छा करेंगे, ये तो मुझे पता था। बहुत अच्छी एक्टिंग की है रणवीर सिंह ने, और ये मूवी डेफिनेटली बहुत अच्छी जाएगी। मुंबई, आपने ये नोट किया होगा कि आलिया भट्ट जो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं, और
मेडिकल की स्टूडेंट है। हाँ, इस मूवी में वो मेडिकल की स्टूडेंट बनी है और उनका वो डायलॉग बहुत जबरदस्त था कि उसकी कोई मेरे खाला पूछती है कि आपको चाय बनाना आती है, कहते हैं कि सब कुछ सही रहा तो मैं आपका जो है लीवर लीवर ट्रांसप्लांट कर लूंगी। मतलब जबरदस्त था उसका रिप्लाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुंबई पहले बच्चों से पूछा जाता था तो वो यही कहते होते थे कि हम पायलट बनेंगे या फिर डॉक्टर बनेंगे, लेकिन आजकल बच्चों से पूछा जाए तो वो उनका बिल्कुल ही ऑपोजिट आंसर होता है कि हम रैपर बनेंगे। क्योंकि हनी सिंह हो गए, बादशाह हो गए, इन्होंने बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर दिया है। जो बच्चे हैं हर कोई हनी सिंह के गाने और बादशाह के गाने उसको पसंद करते हैं और रैपर बनना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो आप, रैपर बनना चाह रहे हैं, मगर जो वालदेन होते हैं वो तो अपने बच्चों को रैपर पसंद नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे कि वो डॉक्टर बने या कोई अच्छी एजुकेशन ले। इसी तरह वो जो विजय राज हैं वो बहुत ज्यादा इसमें दिखाया गया है हाइपर होते हैं रणवीर सिंह पे कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो ना कि ये इन सिंगिंग के रोलों में पढ़ो। मुस्लिम फैमिली में वैसे भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि सिंगिंग से दूर रखा जाता है। और इस तरह की मैंने नोट किया था कि इस तरह की जो स्लम्स पे मूवी बनी हुई है, बहुत सारी मूवी बनी है इसमें बॉलीवुड में। एक और मूवी भी इस तरह की सेम स्टोरी बनी थी, जैसे कि वो उसका नाम था ABCD, मगर वो थी एक डांस स्टोरी, मगर ये एक सिंगिंग स्टोरी उससे मिलती जुलती है। तो ये स्टोरी थोड़ी मजा आएगा इसको देखने का। बहुत सारे लोग मैंने सुना है, मैंने कमेंट भी पढ़े हैं कि ये स्टोरी बहुत सारे कह रहे हैं कि 8 माइल जो है एक इंग्लिश मूवी उसको कॉपी किया गया है, मगर मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे ये लगता है कि जब वो बनी होगी वहाँ, इधर पाकिस्तान इंडिया में इतना ट्रेंड नहीं होगा रैप्स का, मगर अब रैप का ट्रेंड है तो अभी हम बनाएंगे ना, अभी हमने बनाई है तो अच्छी जाएगी डेफिनेटली। और मैं इसको कॉपी नहीं बोलूंगा, अच्छी जाएगी ये मूवी मुझे लगता है, क्योंकि ट्रेलर बहुत स्ट्रांग था। मैं पहले बोला था टीजर में कि ये इसका जो ट्रेलर आएगा वो बहुत जबरदस्त होगा। और एक और चीज मैंने नोट की, पूरे ट्रेलर में पीछे हल्का हल्का जो बीट दी गई है, म्यूजिक दिया गया है वो रैप का, वो बड़ा जबरदस्त था, मजा आया इसको देखने का। पूरा ट्रेलर ही बहुत अट्रैक्टिव था और डायलॉग भी एक दो अच्छे थे, मजा आया। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि जो मुंबई के हैं नेजी और डिवाइन, उनके लाइफ पे ये बनी है स्टोरी, देखते हैं ये कैसी जाती है स्टोरी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके लाइफ पे बनी है, अगर ये लाइफ पे बनी है तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि रणवीर सिंह डिवाइन का रोल अदा कर रहे हैं या नेजी का, ये तो आप कमेंट करना ना भूलेगा। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। अदर रिएक्शन आप देखना चाह रहे हो ऊपर नीचे आ रहे हैं उनको आप देखना ना भूलेगा, और हमारे दोनों चैनल आप देखना चाह रहे हैं उनको सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो नीचे आ रहे हैं उनको आप सब्सक्राइब कर देना, और हमारा फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।